हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गियर अपडेट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान चुके हैं, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कैसॉन सीएन एक्शन कैमरा का, जो कि मेरे हाथों में है। और इसके अंदर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसके अंदर कैमरा नहीं है, क्योंकि मैं उसी से ही इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस एक्शन कैमरा का एक्सटर्नल माइक को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हमें पता चल पाएगा इसका क्वालिटी क्या है। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, जो यूट्यूब में अपना कोई न्यू चैनल ओपन करना चाहते हैं, मोटर व्लॉगिंग का या फिर कोई व्लॉगिंग का चैनल ओपन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला, क्योंकि ये एक्शन कैमरा बहुत ही लो बजट में है। और अभी बहुत ज़ोरों से हवा चल रही है, तो हो सकता है थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो उसे मैनेज कीजिएगा। और आइए आज हम देखते हैं इस एक्शन कैमरा में आपको क्या कुछ मिलता है और इसके सभी फीचर्स के बारे में जानेंगे। और साथ ही इसे यूज़ करके मैं आपको दिखाऊँगा कि इससे आपको किस तरह का पिक्चर क्वालिटी मिलता है। और अभी आप जो फ्रेम देख रहे हो, ये है 1080 पिक्सल 30 FPS, और एक्सटर्नल माइक लगा है और इसका EIS ऑन भी है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, कैसॉन CN10 एक्शन कैमरा आपको इस तरह के बॉक्स में मिलता है। और इस बॉक्स में आपको कैसॉन CN10 एक्शन कैमरा के साथ बहुत सारे एसेसरीज मिलते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम कैसॉन CN10 एक्शन कैमरा के ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप सभी दोस्तों देख रहे हैं, कैसॉन CN10 एक्शन कैमरा बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आता है, जो बहुत ही अच्छे प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ, जिससे देखने में इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस एक्शन कैमरा के फ्रंट में आपको मोड बटन नजर आ रहा है, इसे प्रेस करने के ठीक 5 से 6 सेकंड में ये एक्शन कैमरा ऑन हो जाता है। और इस एक्शन कैमरा में आपको 2 इंच का बहुत ही स्मूथ टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जैसा कि आपके एंड्रॉइड मोबाइल का टच होता है, बिल्कुल उसी तरह ये भी वर्क करता है। कैसॉन CN10 एक्शन कैमरा में आपको 170 डिग्री वाइड एंगल के साथ 24 MP का लेंस मिलता है, जिससे आप 4K में 60 FPS और 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2.7K में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080 पिक्सल में 120 FPS, 60 FPS और 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ ही 720 MP में आप 240 FPS, 120 FPS, 60 FPS और 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। साथ ही फोटो रेजोल्यूशन की बात करें, तो इसमें आप 24 MP, 20 MP, 16 MP, 13 MP और 8 MP में फोटो ले सकेंगे। साथ ही कैसॉन CN10 एक्शन कैमरा में आपको 4x जूम ऑप्शन मिलता है, जिसे आप फोटो और वीडियो दोनों में यूज कर सकते हैं। अब हम कैसॉन CN10 एक्शन कैमरा के 24 MP से लिए गए कुछ वीडियो पे नजर डालते हैं। अभी दोस्तों फ्रेम है 4K 30 FPS और मैं हूं अपने जमशेदपुर के गोल्फ ग्राउंड में, और बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में। अभी आप वीडियो देख रहे हैं 4K 30 FPS में, EIS ऑन है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं 2.7K 30 FPS, EIS ऑन है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं 1080 पिक्सल 30 FPS, EIS ऑन है। Thank you.
आप देखने वाले कैसोन CN10 एक्शन कैमरा से लिया गया स्लो मोशन वीडियो। और अब आप देख रहे हैं कैसोन CN10 एक्शन कैमरा से लिया गया टाइम लैप्स वीडियो। आइए अब हम देखते हैं कैसोन CN10 एक्शन कैमरा के 24 मेगापिक्सल से लिए गए कुछ फोटोग्राफ्स। दोस्तों अभी हम लोग माइक टेस्ट करने वाले हैं कैसोन का, जो इसका इनबिल्ड माइक है। अभी फ्रेम है 1080 पिक्सल 30 FPS और इसका EIS ऑन है। और इनबिल्ड माइक का टेस्ट करने का रीज़न है कि अगर गलती से आपके पास एक्सटर्नल माइक गलती से आप भूल जाते हो घर में या ख़राब हो जाता है, तो इस एक्शन कैमरा का जो अपना माइक लगा हुआ है इसमें वो किस तरह काम करता आपको पता चल पाएगा। और अभी मैं, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं वॉक भी कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है यहाँ पे, तो ये भी अच्छी बात है कि इससे पता चल पाएगा कि वॉइस किस तरह का मिल रहा है। और मैं अब लगाता हूँ इसका एक्सटर्नल माइक और चेक करते हैं कि उससे किस तरह का वॉइस आपको मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने माइक लगा लिया और फिर से अभी फ्रेम है 1080 पिक्सल 30 FPS, EIS ऑन है और हवा भी चल रही है काफ़ी ज़ोरों से और माइक लगा हुआ है, तो आपको पता चल पा रहा होगा कि वॉइस किस तरह का मिल पा रहा है। मुझे तो घर जाके ही पता चलेगा। तो और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी वेदर कोई खास अच्छा नहीं है, धूप नहीं निकली हुई है क्योंकि मानसून आ चुका है, तो हो सकता है बारिश होने वाली भी हो, तो मौसम शाम के जैसा दिख रहा होगा आपको। और ये लोकेशन भी बहुत ख़ास है, डिमना लेक, यहीं से हमारे जमशेदपुर को वाटर सप्लाई भी होता है। तो आपको माइक का आवाज़ कैसा लगा? अभी ये पहला टेस्ट था दोस्तों, हो सकता है हम लोग इसके बाद और भी टेस्ट करेंगे। अभी दोस्तों इसका फ्रेम है 1080 पिक्सल 30 FPS, इसका EIS ऑन है और हम लोग माइक का टेस्ट कर रहे हैं कैसोन के अपने इनबिल्ड माइक जो इस एक्शन कैमरा में लगा है। आप उससे मेरी वॉइस को सुन पा रहे हो, एक्सटर्नल माइक मेरे हाथों में है जैसा कि आप देख रहे हो। तो आइए अब हम लोग इसमें एक्सटर्नल माइक को लगा के टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक्सटर्नल माइक लगा लिया और अभी फ्रेम फिर से है 1080 पिक्सल 30 FPS, EIS ऑन है और मैं वॉक करते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
अब आपको इसका वॉइस कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस एक्शन कैमरा का फ्रेंड्स रिव्यू करने का खास रीज़न ही यही था कि ये बहुत ही कम बजट में 2 इंच का कलर टच स्क्रीन जो जिसका स्क्रीन मैंने टच बहुत ही अच्छा है, साथ ही इसके साथ आपको एक्सटर्नल माइक साथ में मिल जाता है। अगर आप अलग से किसी भी एक्शन कैमरा का माइक लेते हैं तो आपको भी पता होगा कि वो करीब 1400-1500 रुपये से कम नहीं मिलता है। और इसी के साथ इसके साथ आपको एक बैटरी भी अलग से इसी एक्शन कैमरा के साथ ही मिल जाता है। तो बहुत सारी बातें थी इस एक्शन कैमरा का रिव्यू करने के लिए, तो इसमें वॉइस कैसा मिल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों एक बार हम लोग फिर से कर रहे हैं माइक का टेस्ट, और अभी फ्रेम है 2.7 के 30 FPS में। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने माइक का स्पंज को हटा के उसमें विंड स्क्रीन को लगा दिया है, और मैं चेक करना चाह रहा था कि इसे लगाने के बाद आपको किस तरह का वॉइस मिल पाता है इस एक्शन कैमरा के थ्रू। और साथ ही बोलना चाहूँगा कि अगर फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि विंड स्क्रीन लगाने के बाद आपको किस तरह का वॉइस मिल पा रहा था या कैसा लग रहा था ज़रूर बताइएगा। आइए दोस्तों अब हम कैसोन CN10 एक्शन कैमरा में इलेक्ट्रॉनिक्स इमेज स्टेबलाइजेशन को आपको किस तरह ऑन करना इसके बारे में समझ लेते हैं। इसे ऑन करने के लिए आपको वीडियो सेटिंग में जाना है और वहां पे आपको EIS दिख रहा होगा, बस इसे ऑन कर देना है। और अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका फ्रेम है 1080 पिक्सल 30 FPS और इसमें EIS ऑफ है, और आप देख रहे होंगे कि इसमें वीडियो कितना ज़्यादा हिल रहा है। और इस वीडियो में EIS को ऑन रखा गया है और आप देख रहे होंगे कि इसका वीडियो कितना स्टेबल है। अब लेफ्ट साइड में आपका EIS ऑफ है और राइट साइड वाले में EIS ऑन है, तो आपको दोनों में फर्क नजर आ रहा होगा। कैसोन CN10 एक्शन कैमरा में आपको डिस्टॉर्शन का ऑप्शन भी मिलता है, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें फ्रेम है 1080 पिक्सल 30 FPS और इसमें डिस्टॉर्शन ऑफ रखा गया है। लेफ्ट साइड में आपको एक पोल नजर आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे ये आपको राइट के तरफ में झुका हुआ है, थोड़ा बेंड सा नजर आ रहा है। इसे ठीक करने के लिए आपको वीडियो सेटिंग में जाके EIS को ऑफ करना है, और उसी के ठीक नीचे में आपको डिस्टॉर्शन का ऑप्शन आ जाएगा, उसे आपको ऑन कर देना है। डिस्टॉर्शन ऑन करने के बाद आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड का पोल अब सीधा हो चुका है। इस ऑप्शन को आप वीडियो और फोटो दोनों में यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से हम कैसोन CN10 एक्शन कैमरा के ऊपर एक नजर डालते हैं और इसके कुछ फंक्शंस को समझ लेते हैं। एक्शन कैमरा के राइट साइड में आपको अप एंड डाउन बटन के साथ आपको इनबिल्ट स्पीकर नजर आ रहा होगा, और ठीक इसके दूसरी तरफ में लेफ्ट साइड में आपको सबसे ऊपर में माइक, उसके नीचे में USB, फिर उसके साथ SD आउट और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नजर आ रहा होगा, जिसमें हम मैक्सिमम 64 GB का क्लास 10 माइक्रो SD कार्ड को यूज कर सकते हैं। मगर मैंने इस एक्शन कैमरा में सैनडिस्क एक्सट्रीम U3 हाई स्पीड माइक्रो SD कार्ड का यूज किया है, जिससे वीडियो को रिकॉर्ड करते समय आपके वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। इस एक्शन कैमरा के ऊपर के तरफ में आपको वाईफाई इंडिकेटर और ओके बटन मिलता है, जिससे आप वीडियो को प्ले और स्टॉप कर सकते हैं, साथ ही इससे फोटो भी ले सकते हैं। और इसके नीचे के तरफ में आपको वेंट्स और बैटरी स्लॉट दिया गया है। कैसोन CN10 एक्शन कैमरा के साथ आपको 1050 mAh का लिथियम आयन 2 बैटरी मिलता है। इन दोनों बैटरी से आप 1080 पिक्सल 30 FPS में करीब 90 मिनट तक का वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैटरी चार्ज करने के लिए इसके साथ वायर मिलता है, मगर आपको पावर अडैप्टर नहीं मिलता है। मैं इसे अपने पावर बैंक या फिर 5V 1 A पावर अडैप्टर से इसे चार्ज करता हूं, जिससे एक बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस एक्शन कैमरा को आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल के साथ वाईफाई से किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च में XDV Pro लिखना है और इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है अपने फोन पे। उसके बाद एक्शन कैमरा के ऊपर के तरफ में जो ओके बटन है उसे और अप बटन को आपको एक साथ 3 सेकंड के लिए प्रेस करना और इसका वाईफाई ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपके फोन के वाईफाई में स्पोर्ट्स कैमरा को पेयर कर लें, और साथ ही XDV Pro को यूज करने के लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में आपको GPS को भी ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आप XDV Pro ऐप को ओपन करें और नीचे में आपको शूट का बटन शो करेगा, उसे प्रेस कर दें और कुछ सेकंड के अंदर ये अपने आप ही आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा एक्शन कैमरा के साथ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं अभी ये कनेक्ट हो चुका है एंड्रॉइड फोन के साथ, आप यहां से आप वीडियो को प्ले और स्टॉप कर सकते हैं। और साथ ही इसी ऐप से आप एक्शन कैमरा से ली गए फोटो और वीडियो को आप बहुत ही आराम से अपने फोन पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वाईफाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको फिर से कैमरा के राइट साइड में अप बटन को एक बार प्रेस करना और वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कैसोन CN10 एक्शन कैमरा के साथ आपको वाटरप्रूफिंग केस मिलता है, जिसे आप 30 मीटर तक लगभग 98 फीट अंडर वाटर तक यूज कर सकते हैं। साथ ही इस एक्शन कैमरा के साथ आपको बहुत सारे एक्सेसरीज मिलते हैं, तो आइए इनमें से जो खास है मैं आपको बता देता हूं, जो आपके बहुत ही काम में आने वाले हैं। पहला है वाटरप्रूफिंग केस, दूसरा है बैटरी, तीसरा है रिमोट, चौथा हेलमेट माउंट, पांचवा एक्शन कैमरा बैक क्लिप, छठा है चार्जिंग केबल, और सातवां जो सबसे ज्यादा आपके काम में आएगा माइक्रोफोन। दोस्तों अगर आपको कैसोन CN10 एक्शन कैमरा पसंद आया तो आइए इसके वारंटी के बारे में भी जान लेते हैं।
इस एक्शन कैमरा के साथ आपको एक साल का वारंटी मिलता है, और इस एक साल के वारंटी पीरियड में अगर आपके एक्शन कैमरा में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके एड्रेस से कैश ऑन कंपनी अपने से आपके एक्शन कैमरा को पिकअप करवाते हैं, और अगर एक्शन कैमरा में किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है कंपनी की तरफ से तो कंपनी आपको उस एक्शन कैमरा के बदले में न्यू एक्शन कैमरा दे देगी, और अगर एक साल के वारंटी खत्म हो जाने के बाद अगर आपके एक्शन कैमरा में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आप कैश ऑन कंपनी से मदद ले सकते हैं अपने एक्शन कैमरा को रिपेयर कराने के लिए। अभी दोस्तों फ्रेम है 2.7 के 30 fps और EIS ऑन है और एक्सटर्नल माइक भी लगा हुआ है, और मुझे एक जो कमी शुरू में महसूस हो रही थी इस एक्शन कैमरा में लेते समय वो था कि इसके फ्रंट में स्क्रीन नहीं था, तो मुझे शुरू में लग रहा था कि मुझे बहुत दिक्कत होगी, पर इस एक्शन कैमरा के साथ आपको XDV Pro करके एक ऐप मिलता है प्ले स्टोर में, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस ऐप के थ्रू ही अभी भी वीडियो को प्ले और स्टॉप कर पा रहा हूँ, और बहुत ही आराम से ये कनेक्ट हो जाता है और बहुत ही ईजी कर देता है आपको वीडियो को प्ले और स्टॉप करने के लिए, क्योंकि स्क्रीन में मोबाइल के स्क्रीन में आप ज़्यादा बड़े स्क्रीन में अच्छे से देख पाते हैं, अगर इस फ्रंट में इसका स्क्रीन छोटा रहता तो आपको सही से लाइट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो आपको पता नहीं चल पाता। जैसे कि अभी मैं अपने मोबाइल पे देख पा रहा हूँ कि मेरे फेस पे बहुत अच्छा लाइट है, और मैं अभी घूम रहा हूँ तो मेरा फेस पे डार्कनेस आ रहा है, तो इस चीज़ को भी आप इस ऐप के थ्रू देखते हुए बहुत आराम से इस एक्शन कैमरा को यूज़ कर सकते हैं, और ये ऐप इस एक्शन कैमरा के लिए बहुत ही मददगार है, और मुझे नहीं लगता कि अब इस ऐप के होते हुए मुझे अगर फ्रंट में स्क्रीन होता तो इतना कुछ मैं कर पाता। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं अब हम एक नए लोकेशन में हैं, और एक बार फिर से फ्रेम है 1080 पिक्सल 30 fps और EIS ऑन है, माइक मैंने लगाया है, माइक का जो स्पंज था उसे हटा के मैंने विंड स्क्रीन को लगाया हुआ है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी हवा भी चल रही है, तो मैं देखना चाह रहा था कि किस तरह का वॉइस मिल पाता है। और इस वीडियो को अब हम लोग ख़त्म करने वाले दोस्तों CN10 एक्शन कैमरा से ही, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी इस कैमरे से ही स्टार्ट किया था और अभी भी इसी कैमरे के थ्रू ही हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। और आप सबसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये एक्शन कैमरा कैसा लगा, साथ ही ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कैमरा पसंद आया और आप इसे लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कैश ऑन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही अमेज़ॉन एफिलेट लिंक मिल जाएगा जो मेरा है, आप वहाँ से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं, और वहाँ से आप परचेज़ करोगे तो मुझे कुछ कमीशन भी मिल जाएगा, तो अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर करें, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों कैश ऑन CN10 एक्शन कैमरा से इस वीडियो में लिए गए सभी वीडियो को मैंने थोड़ा बहुत कलर एडजस्टमेंट किया है, और साथ ही इस पूरे वीडियो को बनाने के लिए मैंने और भी कुछ गैजेट्स यूज किए, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इस एक्शन कैमरा के रिव्यू के लिए मैंने अपना ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड को यूज किया है, जिसे आप अपने एक्शन कैमरा और स्मार्टफोन दोनों में यूज कर सकते हैं। और अभी जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो इसके लिए मैंने अपना लैपल माइक को यूज किया है, माइक से अच्छा क्वालिटी मिली इसके लिए मैंने विंड स्क्रीन को लगाया, और साथ ही स्टूडियो माइक्रोफोन पॉपअप फिल्टर को भी यूज किया है। और इस एक्शन कैमरा को चार्ज करने के लिए मैंने 5 वोल्ट 1 एम्पीयर का पावर अडैप्टर को यूज किया है, और साथ ही इस एक्शन कैमरा से आपको अच्छा वीडियो क्वालिटी मिले इसके लिए मैंने सैनडिस्क एक्सट्रीम U3 हाई स्पीड माइक्रो SD कार्ड को यूज किया है, और इन सभी के साथ मैंने अपना बहुत सारा समय भी दिया है। तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और इन सभी प्रोडक्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें और याद रखें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी।